बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज की वीडियो जो है वो स्पेशली आपकी कमेंटिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर आप बताएं कि डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके ऊपर बनाई जा रही है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि वन बाई वन जब स्टेप आप फॉलो करेंगे तो तभी आपको इसका कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमारे पास, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने चेक करना है कि डोमेन अथॉरिटी जो है वो किन फैक्टर्स को लेके जो है वो इम्प्रूव होती है। तो इसके तीन फैक्टर्स रहते हैं हमारे पास। नंबर एक फैक्टर जो है वो हमारी जो है, जो भी हम बैंक लेंगे तो वो एक यूनिक डोमेन से लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है moz.com हमारे पास, तो अगर moz.com से हमारी एक वेबसाइट है pinditech.com, तो moz.com से हम एक बैक लिंक लें यूनिक हो, लेकिन वो डू फॉलो बैक लिंक को, ऐसे ना हो कि हमारे नो फॉलो बैक लिंक ले लें, 1000 ले लें, उसका फ़र्क नहीं पड़ना है। और दूसरा फैक्टर ये है कि फर्स्ट वाला फैक्टर जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है वो यूनिक बैक लिंक्स हैं। सेकेंड फैक्टर ये है कि आप जिस डोमेन से बैक लिंक ले रहे हैं तो वो हाई DA वाली डोमेन होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आप एक न्यू डोमेन जो है उससे अपना बैक लिंक ले रहे हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर है। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो ये है कि आप लोगों को जो है वो डू फॉलो बैक लिंक लेने हैं, ना कि नो फॉलो बैक लिंक लेने हैं। और उस पर ये भी देखना है जिन डोमेन से आप बैक लिंक्स ले रहे हैं उनका स्पैम स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ना हो कि उनका स्पैम स्कोर बहुत ही ज़्यादा हो। और कोशिश करें कि आप जो बैक लिंक्स ले रहे हैं वो अपने कंटेंट के रिलेटेड डोमेन से अगर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज दूसरे भी जो बैक लिंक्स हैं तो वो भी आपके यूज़ हो जाते हैं। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। सबसे पहला जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक डोमेन्स हैं, उसके बाद आप लोगों ने डू फॉलो बैक लिंक्स लेने हैं, और जिन डोमेन से आप बैक लिंक ले रहे हैं वो उनकी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पैम स्कोर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो 5 तक हो, उससे ऊपर ना हो। तो अभी मेरे पास एक डोमेन है जिसकी हमने लास्ट मंथ जो है वर्कआउट किया है और इसका DA हमने 52 प्लस किया है, और इसकी टोटल जो लिंकिंग डोमेन्स है ये वो यूनिक डोमेन्स हैं जो 457 हैं। और इसके बाद हमारे जो टोटल बैक लिंक्स हैं वो देखें, वो बिल्कुल ही वन बाई वन ही लिए हैं, कोई एक दो डोमेन्स के हमने ज़्यादा लिए होंगे, तो यह 532 है। और हमारे पास ये डोमेन थी जो हमने, अभी मैं आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गई है और इसका जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है सारा। तो हम अभी ये फाइल्स वगैरह जो हैं वो हम, क्योंकि हमारे आल लिंक्स और फॉलो लिंक्स और दूसरे ये सारे लिंक्स हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको जो है जो लिंकिंग डोमेन्स हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये हमारी जो भी ये डोमेन्स देखें google.com और इनके DA ऑलरेडी देखें, हमने मैंने जो इस फैक्टर में कहा था कि उन डोमेन से बैक लिंक लें जिनके DA ऑलरेडी हाई हों, तो ये वो डोमेन्स हैं जिनके जो DAs हैं वो ऑलरेडी इतने हाई हैं। मैं अभी नेक्स्ट करूँगा, ये सारी डोमेन्स के DAs फुली हाई हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आपने ये है, और सेकंड फैक्टर आपने जो यूज़ करना था वो यूनिक भी हो गया और उसके बाद DA हाई वाला भी हो गया, और उसके बाद जो था वो ये था कि डू फॉलो बैक लिंक्स लेते हैं। तो ये हमारे ऑल लिंक्स थे, अभी हम यहाँ पर फॉलो वाले जो लिंक्स हैं उनके ऊपर क्लिक करेंगे। उनके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास ये फॉलो लिंक्स आ गए हैं। अब हम नो फॉलो लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। फॉलो लिंक्स में हमारे पास 250, 300, 350, 400, 450, हमने टोटल 457 में से 453 जो है वो डू फॉलो लिंक लिए हैं। जो हमारे तीन लिंक्स होंगे वो नो फॉलो, तीन या पांच लिंक्स जो हैं ये नो फॉलो वाले हैं, और इनके भी DA बहुत अच्छे हैं इसलिए हमने ये लिए हैं। तो आप लोगों ने इन फैक्टर्स को अगर काबू रखते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो डोमेन
अथॉरिटी वो इंक्रीज होगी, और दूसरा ये है कैसे बनाने हैं और कैसे लेने हैं, और डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग जो है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो आपने एक ये वाली वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देखनी है और दूसरा ये वाली वीडियोस, ये दोनों देखेंगे तो आपको इनके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कैसे बैक लिंक्स वगैरह बनाते हैं और कैसे पोस्टिंग वगैरह करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कीजिएगा, मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। और आप लोगों का तआवुन का बहुत शुक्रिया।